पेट में चूहा दौड़ रहा भूखे, ये अंदर पता नहीं काम मर गया जाके। ये क्या बात है, क्या क्या हो गया, चोरी हो गई घर में? इस घर में है क्या जो चोरी होगी? तो फिर रो रो के जान क्यों हलकानकी दे रहे हो? मैं तो सिर्फ फाके और भूख की वजह से रोता हूँ और किसी वजह से नहीं रोता हूँ। वो अलन सुबह से बाल बाल सवार के मुंह पे पॉलिश मार के गया हुआ, मुझे कह के गया था कि मैं खाने के लिए कुछ लेके आ रहा हूँ। सुबह का नाश्ते का वक्त गया, दोपहर की रोटी का वक्त गया, अब रात हो गई है। आप लोगों ने खाना खा लिया? वो तो कब का खा लिया? मैंने नहीं खाया। खा लिया नहीं तो तुम्हारे लिए जरूर ले आता, दफा सुबह खिला दूंगा। आठ घंटे रह गए सुबह होने में से। नहीं नहीं, मैं नहीं सुबह सुबह, मैं कैसे खाऊंगा? सुबह तक तो मैं गुजर जाऊंगा। हमारा कमीना सीटी बजाता हुआ, मैं आज इसकी सीटी तोड़ दूंगा। अरे शेर अली भाई, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। उनसे क्या कर रहा, मेरे साथ बात कर दो। तुम कैसे हो? तुम्हारा साथी सुबह से भूख से तड़प रहा है, तुम्हें कोई ख्याल नहीं? इसके मुंह पे थप्पड़ मारे आप? क्यों क्यों लोग ख्याल कैसे नहीं? शेर अली भाई, तमाम दुकानें बंद हो गई थी, सदर से जाकर मैं इसके लिए खाना लेकर आऊं। लो बेटा, खाओ और ऐश करो। थैंक यू अलन, थैंक यू। तू मेरा कितना ख्याल रखता है। मैं कैसे नहीं रखता, देख रहा अलन ही मान के, मैं तो खाम खा तुझे गालियां दे रहा था। क्या? मैं गालियां दे रहा था? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे खाम खा, मैं तो दो घंटे तुझे कोसा है मैंने। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं, आप तो बहुत अच्छी बात होगी ना। ये क्या चने? हाँ तो क्या हुआ? ये चिड़िया घर गया था। चिड़िया घर गया था? चिड़िया घर चला? चने भी भूख में कोरमे के बराबर होते हैं बाबर। अच्छा, तो ले फिर दो तीन बोटियां खा ना। नहीं यार, तुझे पता है मैं चने कहाँ खाता हूँ, पेट में दर्द हो जाता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पेट में बड़ा दर्द होता है मुझे पता है। इधर इधर बात बात सुन भाई, तेरे मुंह से अभी तक मुर्गी की खुशबू आ रही है, मुंह पे पर भी लगा हुआ ये। अरे नहीं यार, मुर्गी कहाँ से खाऊंगा, यही रास्ते में दो चार चने फांके थे, पेट में दर्द हो गया। अच्छा चने फांके थे? तू रहने दे, तू तो कहता है ये चने घोड़े खाते हैं, तू दूसरों को नाक चने चबवा सकता है, खुद कभी नहीं खा सकता। अबे ये पड़े हुए हैं तेरे चने, मैं नहीं खाता। अबे जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं खा के। तौबा तौबा तौबा, या अल्लाह माफी, या अल्लाह माफी, मुझे माफ कर देना मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र। अबे नन्हे, ये चने किसी के तो नहीं थे? अबे ये खबर सुन। क्या? गुंडा टैक्स के खिलाफ इज्तिमा। दुकानदारों ने आज तमाम दिन हड़ताल के तौर पर अपनी दुकानें बंद रखी। हड़ताल के तौर पर नहीं रखी होंगी, वहाँ की बिजली चली गई होगी, गर्मी के मारे बंद कर दी। अबे नहीं यार, आगे तो सुन। उनका मुतालबा है कि अगर उनको गुंडा टैक्स से नहीं बचाया गया तो वो दुकान पर कभी वापस नहीं जाएंगे। गुंडा टैक्स? हाँ। ये क्या होता है? अबे तूने सुना नहीं, जग्गा टैक्स, भोला टैक्स, खड्डा टैक्स, ये तमाम जो गुंडों के टैक्स होते हैं, ये वो टैक्स होते हैं जो गुंडे जो है दुकानदारों को धौंस देकर के वसूल करते हैं, वरना तो उनका जीना हराम हो जाए। बदमाशों का? अबे नहीं यार, दुकानदारों का। यार ये तो बड़ी बुरी बात है यार। क्यों बुरी बात? क्या देखना जी, किसी को धौंस देकर पैसे वसूलना कोई अच्छी बात है? क्यों? अब मैं जी तुझे कहूँ कि निकाल निकाल मुर्गी बाहर। अबे ये भी धंधा है दूसरे धंधों की तरह यार। मैं तो हैरान हूँ कि हमें इसका कभी ख्याल ही नहीं है। अच्छा, मैं लालच भेजता हूँ यार अपने ऊपर, हमने इस धंधे का ख्याल क्यों नहीं आया नन्हे? मैं तो खुद तेरे ऊपर 20,000 मरतबा लानत भेजता हूँ कि तुझे किस इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया ये मतलब। कौन से धंधे की बात कर रहा है? अबे बदमाशी का यार, अल्लाह ने तुझे क्या जिस्म अता किया है जरा देख। थैंक यू। ये माल शराफत में जाया हो रहा है, खुदा की कसम, तेरे कद काठ का आदमी हो तो मैं सच कह रहा हूँ कि शराफत और ईमानदारी से जिंदा रहने का तो ख्याल ही छोड़ दे। हाँ ये क्या मतलब? अबे अगर तू ईमानदारी से कोशिश करे ना, मैं सच कह रहा हूँ खुदा की कसम, तू बड़ा दबंग किस्म का गुंडा बन सकता है। नहीं 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 नहीं, मैं गुंडागर्दी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? इसमें कोई लाइसेंस लेने की जरूरत होती है? नहीं नहीं, मैं तो शरीफ आदमी हूँ ना, मैं नहीं कर सकता हूँ। अबे शरीफ आदमी यहाँ सिर्फ बुजदिल होते हैं जो या तो दुकानें बंद कर देते हैं या जाकर के फिर गुंडा टैक्स अदा कर देते हैं। तू ये बता, तूने तमाम जिंदगी शराफत में गुजारी, क्या मिला तुझे? क्या मुझे ये मेरा अलन जो मिल गया? हाँ तो मिल गया। वो जो मिला मैं तो मैं मिल गया हूँ तो मुझसे फायदा उठा, एक दफा गुंडा बन के देख। अलन मैं तुझे साफ साफ कह रहा हूँ, मैं दुनिया की हर चीज बन सकता हूँ लेकिन ये गुंडा नहीं बन सकता हूँ।
जिस इसने सारी जिंदगी मैं खुद नफरत करता रहा, ये मैं खुद कैसे कर सकता हूँ? अबे पेट के लिए और किस लिए कर सकता है? नहीं नहीं, मैं अपना पेट पालने के लिए दूसरे के पेट में छुरा नहीं घूम सकता। मैं इसकी नौबत ही नहीं आएगी। लोग तेरे काम से नहीं तेरे नाम से डरेंगे। मेरा नाम क्या डैन का बच्चा है? तेरे नाम से लोग खौफ सता हो जाएंगे, बदमाश थर्राएंगे। तेरे नाम से टैक्स जारी होगा, नन्ना टैक्स। नन्ना टैक्स? हाँ। क्या मतलब? बस एक अदद लाचा, एक अदद तावीज गले में, एक कुर्ता लंबा, एक पटका और एक नादिर शाही मूछ, फिर देख तमाशा। अबे 100-200 रोज की आमदन। लो भैया, इतनी रात गई यही मिल सका है। थैंक यू, खा लो। अब ये डबल रोटी मैं क्या चनों के साथ खाऊंगा? ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए ये, ले जाइए। ओ हो, क्या झगड़ा करने की क्या जरूरत है? शेरली भाई, एक बात सुनिए, बैठिए। आप तो फिल्मों के मेकअप का काम करते हैं, तो आपके पास ये विगे और मूछे तो होती होंगी। अरे इतनी रात के विग और मूछ की जरूरत क्या पेश? शेर अली भाई, नन्हे को एक ड्रामे में काम मिल गया है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो उसके लिए चाहिए विग और मूछे, बड़ी बड़ी नादिरशाही। मैंने प्रोडक्शन वालों से बात की थी, वो कह रहे थे कि 20-25 रुपए रोज के दे दिया करेंगे। 20-25 रुपए? हाँ यार, ना हम ये विगों और मूछों का काम ना शुरू कर दे, इसमें बड़ी कमाई है। अबे 20-25 रुपए से आगे की भी कभी सोचा कर यार। तुमको तो मैं पार्ट कर रहा हूँ, वो तुम करो। देखो मियां, मैं रोज के रोज पैसे ले लिया। बिल्कुल मैं दूंगा, तो मैं ले आता हूँ। ठीक है, ले भाई नन्हे, काम बन गया खुदा गया। क्या? कल से तू पूरे शहर में गुंडागर्दी का एक नया बाप खोलेगा। हाँ, लोग तेरे नाम से कांपेंगे, बदमाश थर्राएंगे। जिस रेडी से तेरा जी चाहेगा तू फ्रूट उठा के खा सकता है, जिस दुकान से चाहे लस्सी पी सकता है, जिस दुकान से चाहे कपड़ा उठा सकता है, कोई नहीं जो तुझे रोकेगा। तू बाजार से, बाजार के अंदर से हवा में चाकू लहराता हुआ जा रहा होगा। हाँ, ना पुलिस की मजाल होगी कि तुझे कुछ कहेगी, ना पब्लिक में किसी की जरूरत होगी जो तुझे रोकेगी। लो मियां, ये दोनों इनकी साइज। हाँ 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 हाँ, थैंक यू थैंक यू, बड़ी खूबसूरत। ये रखे, मेरा बच्चा रो रहा है। थैंक यू थैंक यू। अलन, ले भाई अलन भाषण। हाँ, ये दरवाजा जोर से बंद कर दे। क्यों? ये मैं डिनर कर रहा हूँ ना, तो आवाज जाती है बार कड़ा चिकड़ा। पहले ही टैक्स ने हमारी कमर तोड़ के रख दी है जी, अब ऊपर से गुंडा टैक्स भी दो। वो जी, 4 पैसे कमा के हम अपने बाल बच्चों को दे या गुंडों को दे? निहत्था आदमी क्या करेगा, गुंडा टैक्स तो देगा। और अभी तो कुछ नहीं हुई है, अब तो नन्हा बदमाश आ गया कराची से। नन्हा टैक्स तो तुम लगा समझो मियां। ये नन्हा, ये नाम पहले तो कभी नहीं। क्यों, कराची का अखबार यहाँ नहीं आता है? जाके कराची वालों से पूछो, सेठों ने बाकायदा उसका वजीफा मुकर्रर कर रखा है। हाँ जी, 2 लाख रुपए की पत्ती लेके लाहौर में आया है। 2 लाख? परसों की बात है कि मैं उधर से गुजर रहा था बाजार से, बच्चे को लेकर के। अच्छा जी। हाँ, दही बल्ले खा रहा था खड़ा होकर के। नन्हा बदमाश। हाँ, लो जी दही बल्ला खा के प्लेट उसने रखी है। हाँ, कि उसने पैसे मांग लिए, वही उसका दही बल्ला करते। लाहौर के बदमाश क्या बेचते हैं मियां? हाँ, वो तो पाँव पर गिर पड़ेंगे। लेकिन ये नई आफत आई कहाँ से? कराची से आई है, बता रहा हूँ। कह तो रहा कराची से आई है। परसों खाला आ रही थी जी, देशगाम से, कराची से। स्टेशन पर गया उनको लेने के लिए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, एकदम से मैंने देखा कि नन्हा बदमाश भी उसी ट्रेन से उतर रहा है। लो जी, 8 बंदे सामने खड़े हो गए हल्का बांध करके, 8ों के हाथ में चाकू। ओए, उसने ऐसी जंप शंप मारी थी, बिजली की तेजी। 6 के हाथ से तो चाकू गिर गए। चाकू गिर गए। 7वां जान बचाने के लिए जो भागा रेलवे लाइन की तरफ, तो उधर से इंजन आ रहा था, कट गया। 8वां में तौबा मेरी तौबा, मैंने अपनी आंख से देखा, अस्पताल में बैठा पोस्टमार्टम करा रहा है। तो वो भी मरी क्या होगा जी? इसका मतलब है भैया, इस इलाके में भी खैर नहीं। खैर कहाँ से होगी, उसकी बड़क सुनोगे जान निकल जाएगी तुम्हारी। हाँ बड़क तो फड़क। ओ तीले, आज कितना नस चले हो? मुझे कुछ कहा जी? मैंने वेख के नसन लगा। नहीं जी, मैं तो जी खाला की दवाई लेने जा रहा था। खाला दी दवाई लेन तू जा रहा से? मेरी
मुखबरी करना है पुलिस नहीं जी तोबा मेरी तोबा अल्लाह तोबा खुदा की कसम मैंने आपकी कोई मुखबरी नहीं की जी ना तेरा मेरा नाम अल्लाह है जी ओए मैं अपना नाम ही बदल लिया ही हाँ जी अल्लाह ही मेरा नाम अल्लाह है नहीं अल्लाह ना जी ओए मैंने पता है तो नाम की है माफ करें यार बस गलत फहमी च मारिया गया तो अच्छी गलत फहमी है आपकी मेरी तो जी तीन पसलियां फ्रैक्चर हो गई शुक्र कर अजय मैं सिर्फ तेरे नाल हाथ नाल गल कीती है अजय काचू दी नौबत नहीं आई ओ लस्सी वाले हां जी हेलो लस्सी बना के पिया है लो जी पहलवान जी लो लस्सी पियो जी ओए फ्रूट वाले जी जी एनु फ्रूट खवा अच्छा ओ कंड खोल के सुन लो ए बाजार वाले हो आज तो बाद इस बाजार इस मोहल्ले नन्ना टैक्स चलेगा ओए ओए मास्टर काटो 15 रुपए नन्ना जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ जी थोड़ी सी रियायत कर दो जी ओए औजार रखो दे दे यार करा रियायत वो जी जो कम जनाब जो कम जी ताबेदार तुम काटो 5 रुपए नन्ना जी 2 रुपए के तो ऐसे को मैंने फल दिए बाबू को दे दे क्यों जान का दुश्मन हो रहा है पागल हो गया है और जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी वो तो उनको यतीम कराना जरूरी है हाथ दो गए यार ओ दही वाले तू की बह के कुरल 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 कर रहे हैं हुकुम करो पहलवान काटो 20 रुपए जनाब हेलो जी वीर लस्सी पियो जनाब पहलवान जी लस्सी ओए मेनू कहना लस्सी एनु दे लस्सी अच्छा जनाब तेनु नहीं पता एनु कुट पई है हाँ जी लो जनाब राजा बस कर बस कर लन आदि हो गई है क्या कर रहा है बड़क मार ओ अच्छा ओए लस्सी इधर फड़ाओ आ खट्टी लस्सी हाँ जी अब तो दूध खराब हो गया जी मिलो खाओ ये क्या मुर्गी है ये मुर्गी है ये तू हमेशा मुझे मुर्गी वहां से देता है जहां से मुर्गी शुरू होती है और खुद ये खा रहा है तो ये क्यों खा रहा है तू इसमें हैंडल लगा हुआ होता है हाँ तो ठीक है ना तो फिर ये हैंडल वाला मुझे भी देना पहले इसको खत्म करो कल तक तुम चने खा रहे थे यहाँ चारपाई पे बैठ करके आज अल्लाह ने मुर्गी दी है तो झगड़ा कर रहे हो नहीं मुर्गी ये भी देना अगर मैं तुमको बदमाश न बनाता तो तुम्हारा क्या हशर होता अभी तक चने खा रहे होते कुल 2 महल्ले की कमाई हाँ। 1 दिन की हाँ। 300 और 3.5 रुपए चुप ठीक है फिर इसमें से 150 रुपया 1.5 और 1.5 रुपया 25 पैसे मुझे दे वो क्यों वो क्यों 50-50 नहीं होगा 50-50 खत्म है इसमें से हाँ। 3.5 रुपए तुम ले लो चाय पानी के लिए देखो तुम्हारी अपनी भी तो जरूरियात होंगी ना मुझे इसका ख्याल रहता चलो चाय पानी के लिए या सिर्फ पानी के लिए यार अलन ईमान से तुझे पता नहीं है तमाम वक्त मेरा दिल धक धक करता रहा है क्यों और तुझे याद है ना जिस वक्त वो मास्टर ने कैंची उठाई है तो बस मेरे तो बड़ी बुरी हालत हो गई ईमान से मैंने सोच लिया था कि अब ये मेरा पेट बमे कुर्ते काट देगा और फ्रूट वाले की छुरी जब मैंने देखी तो बस बह जा ही होगी लेकिन ये तो बड़े बुजदिल आदमी निकले यार ये एक ही दबके में तमाम पैसे दे दिए अबे दहशत फैलाए बगैर कोई बदमाश धौंस नहीं दे सकता
सबसे पहले बदमाश जो है अपनी हवा बांधते हैं, ठेका जमाते हैं, ठेका जमाते जमाते कोई बंदा यूं ही कत्ल वत्ल हो जाता है, वहां से बदमाश एस्टेब्लिश होता है। यार अलन, ये बदमाशी जो है ना बहुत मुश्किल काम है, ये मेरे बस का रोग नहीं है। बदमाशी सिर्फ तू ही कर सकता है। क्यों, तू तो पैदाइशी तौर पे बदमाश है ना। बकवास नहीं चाहिए, ले ये। इसको मैं क्या करूं, इससे मैं सलवार में नाला डालूंगा। दरवाजे पर कौन? यार अलन, मेरा ख्याल है ये वही लोग हैं जिनसे मैंने टैक्स वसूल किया था, ये मुझे मारेंगे। अलन बकवास मत कर बे, जिनसे टैक्स वसूल किया था उनके यहाँ आने का क्या काम है? आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, क्या आप बता सकते हैं कि शेर अली साहब कहाँ होंगे? जी कौन? शेर अली साहब। शेर अली साहब, अच्छा। तो वो शेर अली साहब से इस वक्त आपको रात में क्या काम पड़ गया? उनसे मेकअप करवाना था एक स्टेज ड्रामे का। मगर जी वो तो फिल्मों का मेकअप करते हैं, आप लोगों को फिल्मों में काम करने का शौक नहीं है? है जी बहुत ज्यादा, मगर क्या करें, पहले स्टेज पर थोड़ा सा तजुर्बा हासिल कर लें। ना जी, तजुर्बे की फिल्म में क्या जरूरत है, वहां आदमी सीधा चला जाता है। अच्छा जी, बात सुने आप, एक फिल्म में दो कैरेक्टर्स हैं बड़े अच्छे, लड़के का भी है लड़की का भी है, दोनों का है, साथ इकट्ठे काम करना होगा, तैयार है? क्या वाकई जी? हाँ बिल्कुल, आउटडोर शूटिंग होनी है कल, तो ऐसा है कि आपका टेस्ट लिया जाएगा उसमें, अगर आप लोग पास हो गए, बाजार का सीन है आउटडोर का, उसमें अगर आप लोग पास हो गए सीधे स्टूडियो में दोनों। जी हमें आप एक मौका दीजिए। एक मौका? बहुत मौके आपकी जिंदगी में आएंगे। जी कल सुबह आ जाइएगा, मेकअप वेकअप करा के तो हम देख लेंगे आप। बहुत बहुत ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। इनको जरूर लाइएगा साथ। शाबाश दोनों। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अजी उधर नन्हे बदमाश से झगड़ा हो गया जी। उसने हमारे पांच के पांचों आदमियों को मार मार कर जख्मी कर दिया जी, और मेरी हालत आप देख रहे हैं जी। भाई मेरे, इतने बड़े बदमाश से झगड़ा करने को किसने कहा था तुम्हें? हाय 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 जी, उसने मुझे धमकी दे दी जी क्या मेरी बदमाशी यहाँ नहीं चल सकेगी, यहाँ वो टैक्स भी खुद ही वसूल किया करेगा जी। अपनी जान की परवाह कर। ये तो ये क्या हुआ जी ने, तूने नन्हे बदमाश से क्यों लड़ाई की? अभी पांच ही दिन हुए हमारी शादी को, क्यों मुझे बेवा बनाना चाहता है? खुदा के लिए उससे माफी मांग ले, वरना वरना तुम पांचों का पोस्टमार्टम कर देगा। और तू आज तक क्यों ना, मैं ते समझे सी तेरा चालीसवां भी हो गया। मुझे माफ कर दे पहलवान जी, माफ कर दे, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा जी। पहलवान जी माफ कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ दी। और चप्पा काकी, तू बोल के सारा गुस्सा ठंडा करता है, चाय नु ले जा ले, नशा नशा है। और कान खोल के सुन लो, और इस बगार इस मलिच कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा, जेड़ा इतो टैक्स वसूल करेगा उसको पुलिस के हवाले किया जाएगा। चुप बोल, ओए तू पुलिस दी मुखबरी करना। नहीं जी नहीं। ओए दराए काट दस रुपये मेरे पास नहीं है जी। नहीं है, तलाशी दे, दिखाओ मुझको। ज्योति उतारो, उतारो ज्योति। ये क्या है, ये क्या है? ये तो खाला के पैसे। तू खाला दा अकाउंट ज्योति च खोले है? ओए कान खोल के सुन लो, ओए आज तो बाद मैं एक एक बंदे को पैसे वसूल नहीं करांगा, मेरा बंदा आएगा तोड़े को पैसा ले जाएगा, और 500 रुपया महीना। गांधी कुछ कट नहीं हो सकते? हो सकता है, लेकिन नाल तेरी जिंदगी भी कट सकती है, कटावा। नहीं ठीक ने जी। हाँ सिगरेट दे, 50 रुपये भी काट। वो जी हम आपको नहीं दे सकते। ओ क्यों? हमारा मल्ला नन्ना टैक्स देता है। नन्ना टैक्स? पता नहीं तुम्हें नन्ना टैक्स?
नन्ना बदमाश का नाम नहीं सुना तुमने अभी तक? कराची से 2 लाख रुपए की पत्ती लेकर के आया है, यहाँ के सारे बदमाशों ने घुटने टेक दिए उसके। 4 कत्ल का प्रोग्राम था उसका, 2 की लाशें जा चुकी हैं इसी बाजार से, 2 का इंतजार है उसको, 1 तुम आ गए हो, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब अपनी पसंद का एक आदमी तुम और लो। एक आदमी डरा के नु रहे और मेनू डरा रहे हैं क्यों? आप ते नहीं देख रहा? अच्छा चक वड अपने आप नु। अच्छा सलूट कर मेनू। अच्छा वो खड़ा है तुम्हारा बाप पीछे, नन्हा बदमाश। मौत आई तेरी, ओ मत जा, मर जाएगा। ओए तू बदमाश है ते होर, मैं तेनू जनाब बाग दा माश की नजर आना, किराए दिया मुछा ला के आ गए। ओए तरा खुदा का वास्ता, ओ तुम घर से लड़के आए हो, क्या हो गया है तुम्हें? अपने बाल बच्चों का ख्याल नहीं, यतीम कराना है उनको और अपना पोस्टमार्टम कराना। वो देखो वो खून नजर आ रहा तुम्हें वहां थड़े पर और उसके नीचे? ओए खून उधर नहीं, मेरी आंखां च वेख। ओए ओए तू टैक्स वसूल करना है? नहीं जी पहलवान जी, सलाम अलैकुम। मैं तो एवं ही आगे से पहलवान जी, पता लगे तुम कराचियों आए हो, मैं सलाम कर रहा हूं। ये तो बड़ा ही बुजदिल निकला। जितना इसका बदन था, अगर इसमें दिल भी इतना बड़ा होता ना तो कसम खुदा की मुझे बड़ा ही मारता। अच्छा बकवास बंद कर, वो जो 300 रुपए तूने मुझसे वहां पर निकलवाए जूती से, मुझको वापस दो। तुझे वापस दो? मुझसे मांग रहे हो? इस कंघी को नीचे कर, मैं इतने जोर का लपड़ मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी तुम्हें। शेर जी पेड़ा कर खोजा, चौथा दिन है आज मेरी मुंह छोड़ कर बात, और मेरा किराया नहीं दिया। चुप करो यार, मेरा किराया घर पहुंचा दूंगा तुम्हें इस वक्त, मत बोलो। मैं इसी वक्त लेके जाऊंगा मेरी मुंह। क्या बात है भाई, क्या हुआ? भाई 3 दिन से मेरी मुंह छोड़ के लगाए फिर रहा है, किराया नहीं देता। क्या कर नन्ने बदमाश से बात कर रहे हैं आप? कौन सा बदमाश, कैसा बदमाश, चूहों से डरने वाला आदमी है ये। लो लो मुझे अपनी कंघी दो और मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। क्या कर रहे हैं? मेरी मुंह भी वापस कर दे, बदमाशी दिखाता बदमाश कहीं का, वापस कर। नहीं जी नहीं, मैं बदमाश नहीं, ये ले अपनी मुंह, ये ले अपनी, गिरा दे। हाँ किराया भी ले लें आप, किराया ये ले अपना किराया। ठीक तुम बदमाश नहीं हो? बदमाश नहीं हो तुम? नहीं जी नहीं, मैं तो शरीफ आदमी हूँ बिल्कुल। अच्छा तुम बदमाश बने हुए थे? हाँ तो मुझे बदमाश बनाया किसने? आप जैसे बुजदिल लोग ही मोहल्ले और बाजार में बदमाश पैदा करते हैं। हाँ और आप अगर जो भी आपके सामने ऊंचा बोलता है आप दुबक जाते हैं और अपनी दुकानें बंद करके घरों में बैठ जाते हैं। अगर आप में से पहले दिन ही मेरे सामने कोई एक आदमी आ गया होता ना और 2-4 लपड़ उसने मुझे लगा दिए होते तो मैं ठीक हो गया था। आप लोगों को तो चाहिए कि ऐसे लोगों को जो कानून हाथ में लिए दंदनाते फिर रहे हैं बाजारों में, उनको पकड़े, उनको मारे और उनका मार मार के हुलिया टाइट कर दे। ठीक है पकड़े आ गए हो? हालन उन्होंने मुझे बड़ा मारा अलन, ईमान से मेरी जुबान टुकी गई है। जुबान ने तो कट्टी जानी थी, तुम जो मौत के सामने ललकार ललकार के कह रहे थे पकड़ो मारो पकड़ो मारो। बेटे आपको तो उन्होंने कुछ नहीं मारा, अब जो मैं आपको मारूंगा बैजा हो जाएगी। बकवास कर, SMS 5 DVD.